हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। रुड़की में मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की। उसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विभाग मंत्री ने कहा कि सरकार को तत्काल इसकी जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों से कराकर दोषियों को मृत्युदंड देना चाहिए। वे विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने इस हत्याकांड की निंदा करते हुए कहा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, यदि सरकार जल्दी इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाती तो संगठन को क्रिया पर प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हुआ था एक उनकी कार्यकर्ता की डेथ हुई, उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने यहाँ ज्ञापन दिया है प्रेसिडेंट के लिए, तो हमारे द्वारा तो वो प्रेसिडेंट जो महामहिम है उनके पास चला जाएगा द ऑनरेबल प्रेसिडेंट के लिए। और मेरे ख्याल से कर्नाटका पुलिस ने भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई करी है, इसमें तीन लोग को पकड़ा गया है जितना मुझे लिमिटेड नॉलेज है इस केस के बारे में, और वहाँ की पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें कंप्लीट न्याय करेंगे और जो वहाँ का न्याय प्रशासन है वो इस केस को एक्सपेडाइट करेगा, तो इससे इन लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस मेजर डेवलप होंगे। मतलब हत्या करने के बाद डेथ होती है, डेथ मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ, दैट इज़ अ केस दैट इज़ ओपन फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अरेस्ट हुए हैं ऑब्वियसली, अब नहीं पता था, नेचर ऑफ द वुंड इज़ नॉट क्लियर टू मी, दैट वुड कम आउट इन द इन्वेस्टिगेशन। अगर डेथ मर्डर भी हुआ है तो डेथ हो गई है उनकी, बोल रहे कि हत्या की गई, ये उनका कहना है। एक्चुअली आप शायद कंफ्यूज कर रहे हो, मैंने बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की जो निर्मम हत्या हुई है इस्लामिक जिहादियों द्वारा, उसी विषय में हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आज एस डी एम ऑफिस पहुँचे। क्या मांग है बजरंग दल की? बजरंग दल की मांग है कि दोषियों को फांसी और हर्ष के परिवार को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये जिस तरह जिले भर पे चलेगा बजरंग दल मुहिम चलाएगी, ये हर जगह ये रुड़की में दिया जा रहा है? नहीं, ये पूरे देश भर में ये इस तरह की मुहिम चल रही है, पूरे देश के कार्यकर्ता ज्ञापन दे रहे हैं, और अगर इसमें सरकार और कानून कुछ नहीं करता है तो कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे, जो भी आवश्यक पड़ेगा वही सब क्रिया की प्रतिक्रिया होंगी। हरिद्वार में भी दिया गया इस तरह? हाँ, आज हरिद्वार में भी दिया गया। एक मुद्दा हुआ है हिजाब का, सिर्फ उसने कहा था कि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और इतने भर कहने से और फेसबुक पोस्ट डालने पर उसकी जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। इसकी बजरंग दल पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व स्तर पर निंदा करता है, और जगह जगह धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज इसी निमित्त हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, और सामूहिक रूप से आज एक महामहिम अपने राष्ट्रपति जी को एस डी एम महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रेषित करेंगे, इसी निमित्त आज हम यहाँ आए हैं। और इस ये प्रत्येक अपने जो भारतवर्ष में प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर, तो आज उसी निमित्त अपना संगठनिक जिला रुड़की है, अपने हरिद्वार में भी हुआ और आज रुड़की में भी हम प्रदर्शन कर और ज्ञापन दे रहे हैं। और हमारी मांग है कि राष्ट्र जो है वो कानून से चलेगा, सरिया कानून से नहीं चलेगा। जो भारत का कानून है उसके अनुसार चलेगा, और जब तक इस जघन्य हत्याकांड के जो अपराधी हैं और उसके पीछे जो साजिश है एक ये मुस्लिम तुष्टिकरण की, उसका पर्दाफाश नहीं होगा, तब तक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और अपने जितने भी संघ परिवार के अनुसांगिक संगठन है वो सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे, और जहां तक भी जिस सीमा तक भी जाया जाएगा वहां तक जाएगा। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।